ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से आप लर्न करें कि आपका टाइम सेव हो जाए, आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। सपोज़ कीजिए कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं या पूछते हैं क्लास में भी स्टूडेंट्स की किसी कारण से उनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, उनके पास टाइम नहीं था या वो फुली कॉन्फिडेंट नहीं है या अब वो लास्ट मोमेंट पे आकर किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि उनके अच्छे नंबर आ जाएं। तो जनरली हम क्लास में स्टूडेंट्स की इस तरीके से हेल्प नहीं करते और ना ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस स्टूडेंट को हैंडीकैप्ड बनाना नहीं होता, बल्कि हम चाहते हैं कि उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए। हम कभी भी ये पर्सनली भी मैं अगर कहूँ तो ये प्रेफर नहीं करूँगी कि स्टूडेंट्स को हम इस तरह से पॉइंट्स दें या उनको बता दें कि आप लास्ट मोमेंट पे आकर इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये इट इज़ एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम कि आई एम सो कंपेल्ड टू हेल्प यू लाइक दिस। ओके, हमें पता है कि ये सही नहीं है, बच्चे इस तरह से क्या होंगे, डिटेल्ड में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब देखते हैं कि बच्चे का पूरा साल ख़राब हो रहा है, वो ब्लैंक कॉपी रख कर आ रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, 2-3 लाइन्स में आंसर प्रोवाइड कर रहा है, या अपनी अपनी एक एक आई डोंट नो वाई इट हैपन्स विद द स्टूडेंट कि वो 2-3 पेज में ये लिखना पसंद करते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई, राइट, लेकिन वो आंसर लिखना पसंद नहीं करते। देखिए, बच्चा 2-3 पेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अपने दर्द को लिख रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, एग्जामिनर उसको सिंपैथी दे सकता है, ओके, उसके साथ सिंपैथाइज कर सकता है, लेकिन वो उसको मार्क्स तो नहीं दे सकता ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए सबके अपने अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम्स में जाकर आंसर शीट पर काफ़ी पेजेस में या कुछ लाइंस में लिख देते हैं कि प्लीज़ हमें पास कर दीजिए या हमारी ये प्रॉब्लम थी, हम इसके कारण प्रिपरेशन नहीं कर पाए। तो उसमें हम चाहते हुए भी आपको नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि क्योंकि वो सही नहीं है। इससे जो अच्छे बच्चे हैं उन पर गलत इम्प्रेशन पड़ता है। या आप ये बताइए कि हम किस तरीके से आपको आपकी उस बायोग्राफी पर, आपकी उस ऑटोबायोग्राफी पर आपको कैसे नंबर दे दें? तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरह की बातों से, तो सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए कभी भी इस तरह से नंबर नहीं मिलते। आप कितना भी इमोशनल हो जाएं एट द टाइम ऑफ राइटिंग, एट द टाइम ऑफ गिविंग मार्क्स, लेकिन फिर भी नंबर नहीं देता कोई भी एग्जामिनर, आपको कभी भी इस तरह से नंबर नहीं देगा। तो ये लास्ट मोमेंट पर आकर हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि हम सोच रहे हैं कि बच्चों का पूरा साल वेस्ट ना हो, इसके लिए उनको एक बहुत इजी मेथड बता दिया जाए कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि किस तरह से लिख कर आएँ, तो ये एक सबसे जो आपका इजिएस्ट मेथड है वो ये हो सकता है कि सपोज़ कीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन, ओके, आज हमने ये पॉइंट ले लिया है आपका कि कोई भी क्वेश्चन सरोजनी नायडू के ऊपर आता है, कोई भी हो सकता है आपका, चाहे वो आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, हम ये कहते हैं जो भी राइटर आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आप अगर लिख कर आते हैं तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, चाहे आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे आपके उस पोएट या राइटर के साथ। तो इसीलिए इस बार हम, क्योंकि लास्ट पेपर है आपका, राइट, और दैट इज़ कि हम प्रे करते हैं आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिले, इसीलिए ये इस लास्ट पेपर में हम आपको इस तरह से पॉइंट्स दे रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को बता दें, सरोजनी नायडू के ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई भी क्वेश्चन नायडू का अगर एग्ज़ाम में आता है और आप सिर्फ इनमें से जो भी हमने पॉइंट्स दिए हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स जो भी आपको लग रहे हैं कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप आपको इजी लग रहे हैं, तो आप उन्हें लर्न कर लीजिए और आप उनको वहाँ लिख कर आइए, राइट। तो देखिए कितने कम टाइम में आपकी फुली प्रिपरेशन हो जाएगी,
और वो 10 पॉइंट्स आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, आपके आपको कभी भी उन पर फेल नहीं किया जा सकता या कम नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ हेडिंग्स दे रही हैं, अंदर देखिए आपको अंदर की डिटेल दे सकती हैं लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से तो थोड़ा सा इतनी मेहनत कर लें। तो इसीलिए ये सारी वो हेडिंग्स हैं जो एक 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 बार आप देखते चले जाइए, बेस्ड ऑन सरोजनी नाइडू, राइट। और ओनली 10 विल बी सफिशेंट, ज़्यादा नहीं लेना, 10 भी अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी होंगी, बस अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। और ये कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये हेडिंग्स लिख देनी है, जैसे कि सपोज कीजिए सबसे पहले आपसे चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ रहा हो किसी पोएम का या सरोजनी नायडू के बारे में ही कुछ भी पूछा जा रहा है, तो अगर आप एक सिंपल हेडिंग ले लेते हैं इंट्रोडक्शन, तो ये आपकी चल जाएगी, ओके, लास्ट मोमेंट पे ये आपके काम कर जाएगी। देन आप सरोजनी नायडू की बात कर रही हैं इस वीडियो में, हम गवर्नर ऑफ यूपी, राइट, क्योंकि सरोजनी नायडू है एंड शी हैड बीन द गवर्नर ऑफ यूपी। तो अगर आप ये वाली भी हेडिंग लेते हैं तो भी आपकी ये वो हेडिंग्स है जो आप इजिली वे में लिख सकते हैं, गवर्नर ऑफ यूपी, राइट। थर्ड हेडिंग यू कैन हैव नाइटिंगल ऑफ इंडिया, गॉट। फोर्थ हेडिंग इज इंटर एंग्लियन पोएट्रेस, आप चाहे तो ये भी हेडिंग ले सकते हैं, सरोजनी नायडू प्योरली इंडियन, या फिर इतना भी लिख सकते हैं प्योरली इंडियन, ओ एज अ प्योर इंडियन, इंटर एंग्लियन पोएट्रेस, राइट। आप वो काफ़ी फेमस हैं अपने लिरिक्स के लिए, अपने मेलोडी के लिए, तो ये बहुत अच्छी हेडिंग आपकी जा सकती है हर और किसी भी क्वेश्चन में जा सकती है, किसी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी आप ये हेडिंग्स ले सकते हैं, चाहे वो आपसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पैलेंक्विन बेरर्स का पूछा जा रहा हो या इंडियन वीवर का, तो उसमें आपके सारे हेडिंग्स काम आ जाएंगी, राइट। तो आपके आपके सिर्फ ये पॉइंट्स हैं, आपके कितने भी क्वेश्चंस आए आप सिर्फ इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, हर मेलोडियस लिरिक्स, हर, अब देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हर लिरिकल क्वालिटीज और हर लिरिकल जीनियस, जो भी आपको तीनों, देखिए ये तीनों सेम है, बस ये गलती मत कर देना कि कभी आप तीनों ही हेडिंग अलग अलग लिख कर आ जाएं, ये ध्यान रखना कि तीनों हेडिंग हमारी एक हैं, बस जो जिस स्टूडेंट को जो भी हेडिंग अच्छी लगती है आप खुद उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हर मेलोडियस लिरिक्स ओ हर लिरिकल क्वालिटीज ओ हर लिरिकल जीनियस, राइट। नेक्स्ट हेडिंग ये देखिए, आप इसे आप बताइए जो भी कोई भी क्वेश्चन आए आप कैसे नहीं लिखोगे, तो ये वो ये भी आपकी बहुत अच्छी तरह से काम आएंगी एज अ लिरिसिस्ट, चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ रहा हो, चाहे नायडू के बारे में कुछ भी पूछा जा रहा हो, एज अ पोएट्रेस, इंडो एंग्लियन पोएट्रेस, ओ हर पोइटिक क्वालिटीज, नाइटिंगल ऑफ इंडिया, इट डजेंट मैटर, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ मेलोडियस सिंगर, तो ये सारी हेडिंग्स आपकी बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगी, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर वो बच्चे जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हेडिंग्स हमने उन बच्चों के लिए बनाई हैं जो लास्ट मोमेंट पर किसी मजबूरी में, किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के कारण तैयारी नहीं कर पाए हैं, और जिनका हम नहीं चाहते कि पूरा साल खराब हो जाए, राइट। लेकिन वो स्टूडेंट जो रेगुलर स्टडी कर पाए हैं, जिन्होंने डिटेल्ड में पढ़ा है, तो अगर वो चाहें तो इनका बेस्ट यूज़ हेडिंग का कर सकते हैं, तो दोनों के लिए ही, राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, तो हमें हर बच्चे को देखना पड़ता है, उस बच्चे को भी कि जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो रेगुलर स्टडी कर रहा है, जिसके साथ थैंक्स गॉड की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन हमें उस बच्चे को भी ना इग्नोर नहीं करना पड़ता कि जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो स्टडी नहीं कर पाया, तो हम चाहते हैं कि उसको भी हेल्प मिल जाए, राइट, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि अगर बताया जाए, देखा जाए, तो टीचर्स इस तरह से कभी भी हम अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि इससे बच्चा पढ़ेगा नहीं या कहीं ना कहीं वो हैंडीकैप्ड हो जाएगा। आई मीन अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये रेडीमेड जो हम ये आपको पुलाव दे रहे हैं बना बनाया, वो कभी भी हम स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो एज अ लिरिसिस्ट, राइट, एज अ ग्रेट पोएट्रेस, ये भी आपकी बहुत अच्छी हेडिंग है, एज अ ग्रेट पोएट्रेस,
हर पोइटिक क्वालिटीज सरोजनीस रोमेंटिसिज्म, राइट। आप इसे ये भी लिख सकते हैं हर रोमेंटिसिज्म और द रोमेंटिसिज्म ऑफ सरोजनी नायडू और सरोजनी रोमेंटिसिज्म। देन यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ओके। और जनरली आप देखेंगे अगर आपने उनकी दोनों पोएम पढ़ी हैं तो सरोजनी नायडू को जो सबसे ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज़ किए हैं वो कौन से किए हैं, सिमली एंड मेटाफर। यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच सिमलीज एंड मेटाफर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, राइट। सरोजनी नायडू क्या आप उनकी पोएम्स अगर देखेंगे तो वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं, इंडिया को। तो ये बहुत अच्छी है, चाहे आपकी पेनिन क्वीन है, इंडियन वीवर है, क्योंकि दोनों ही पोएम में आपने देखा होगा कि वो इंडिया की कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हेडिंग आपकी सभी में जाएगी, राइट, तीनों में जाएगी, तीनों से मतलब दोनों पोएम में जाएगी, और जो भी क्वेश्चन सरोजनी नायडू पर बेस्ड होगा उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से काम कर जाएगी। तो अब आपने एक्स्ट्रा कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं पॉइंट्स में से आपने 10 पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करना है, उनको ज़रा सा स्टडी करना है ताकि आप उनके अंदर की थोड़ी सी डिटेल लिख सकें जो उस पर आपसे कनेक्टेड होनी चाहिए, और उसके बाद आपका बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आई एम वेरी वेरी श्योर तैयार हो जाएगा। सो 11th पॉइंट हमने ज़्यादा लिए हैं 10 से ताकि बच्चे सॉर्ट आउट कर सकें, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, गॉट इट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ब्यूटीफुल इमेजेस, राइट, ब्यूटीफुल इमेजेस इन हर पोएम्स थीम ऑफ हर पोइट्री। अब देखिए दोनों की ही थीम क्या है, अगर हम जनरली देखें तो दोनों की थीम सरफेस पर से देखें दैट इज़ इंडियन। सरोजनी नायडू की जितनी भी पोएम्स हैं उनकी जो मेनली थीम है दैट इज़ इंडियन, थीम ऑफ हर पोइट्री। एंड 14th वन आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, सरोजनी नायडू एज अ वुमन ऑफ इंटरनेशनल कल्चर, ओके, अ वुमन ऑफ इंटरनेशनल कल्चर। तो ये 14th हेडिंग्स हैं जो हर बच्चे के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में किससे रिलेटेड, सरोजनी नायडू से रिलेटेड या उनकी कोई भी प्रिस्क्राइब्ड, ओके, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड पोएम से रिलेटेड, प्रिस्क्राइब्ड पोएम जो आपके सिलेबस में रखी गई हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना।